लगाया। भूपेश बघेल की सरकार पर उनका आरोप है कि पिछले 4 से 5 साल में फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं, नगरीय निकायों में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए, धर्म के आधार पर बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, अब सरकार इनकी जांच करवाएगी। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण। ये तो गलत है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, और जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जाति की व्यवस्था आप कैसे ला दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। और सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे, सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए, सरकार जांच करवाएगी। युगल, ये बिल्कुल ललित, देखिए एक धर्म विशेष को ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का ये पूरा मामला है, और फिलहाल जब राज्य सरकार के संज्ञान में आ चुकी है ये मामला, तो उन्होंने जांच की बात भी कही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें पता चला है कि विगत 4 से 5 सालों में, और सीधा सीधा ये हमला है पूर्ववर्ती सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो इस दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों में ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। कुछ राज्यों में भी इस तरह के मामले आए हैं, तो उसकी भी जांच हालांकि प्रत्यक्ष की जा रही है, लेकिन इस राज्य में छत्तीसगढ़ में भी ये मामला उनके संज्ञान में आया है। तो उनका कहना है कि जिस धर्म में जाति वर्ग की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में उन्हें कैसे सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये मामला राज्य सरकार के संज्ञान में है और उसकी जांच की बात कही जा रही है, तो ये तय है कि जांच के निर्देश हो चुके हैं और आने वाले समय में ये खुलासा हो सकेगा कि किन किन जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में किस तरह के फर्जी है ओबीसी का सर्टिफिकेट बांटा गया है। लेकिन ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान कहा जा सकता है, और ये बड़ा संकेत भी है इस जो फर्जीवाड़े को लेकर के जांच की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकता है राज्य सरकार है आने वाले समय में करे, और पूरे रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी इस बात का खुलासा हो सकेगा कि छत्तीसगढ़ के जो नगरीय निकाय हैं वहाँ पर किस तरह के फर्जीवाड़ा करके ओबीसी के सर्टिफिकेट है वो बांटे गए हैं। जी ललित, बात की जा रही है धर्म के आधार पर सर्टिफिकेट बने हैं, क्या कोई प्रमाण भी है, और अगर है तो फिर सीधे जांच बिठानी चाहिए। देखिए ललित, जब राज्य सरकार के संज्ञान में आए हैं, गृह मंत्री खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा यदि कह रहे हैं कि कल ही पता चला है कि इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ में भी। मैं ये कल आपको रोकना चाह रहा हूँ, दरअसल इस वक्त हमारे साथ अभय नारायण साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अभय नारायण साहब, गंभीर आरोप, धर्म के आधार पर 4-5 सालों में नगरीय निकायों में फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं, विजय शर्मा कह रहे हैं जांच करवाएंगे। देखिए, जो कुछ पूरे देश में खेल हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं उस खेल को, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धर्म का उपयोग कर रही है, जो बंगाल में खेल खेला जा रहा है उसी खेल को लेकर छत्तीसगढ़ और सब जगह की बात हो रही है। मैं विजय शर्मा जी से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सर्टिफिकेट बने भारतीय जनता पार्टी के राज में, रमन सिंह के राज में जो 15 साल सर्टिफिकेट बने उसकी भी जांच करवा ले कि अगर 15 साल में कोई सर्टिफिकेट बने तो उन्हीं जातियों के भूपेश बघेल सरकार में बने या उससे कोई अदर जाति की बनाई गई। अगर जांच करवाना है तो 15 साल रमन सिंह सरकार के जो सर्टिफिकेट बने ओबीसी के उसकी भी जांच करवाई जाए, फिर 5 साल की जांच करवाई जाए, मध्य प्रदेश में करवाई जाए, गुजरात में करवाई जाए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद है शासन है पूरे प्रदेशों में कराया जाए। एक चरण का चुनाव और बचा है, 7 दिन को विदाई हो रही है, और विदाई के पहले ये धर्म का खेल, धर्म की आड़ में जातियों का खेल, धर्म की आड़ में जातियों का खेल। चलिए अभय जी, राजीव चक्रवर्ती साहब भी बीजेपी से जुड़ गए, उनका भी एक रिएक्शन ले लिया जाए। विजय चक्रवर्ती साहब, धर्म के आधार पर फर्जी सर्टिफिकेट बने, चक्रवर्ती साहब आपका रिएक्शन? बिल्कुल, जो विजय शर्मा जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए, जो धर्मांतरण में भी जा चुके हैं वहां का भी फायदा ले लिए, और उसके बाद
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों का सर्टिफिकेट लेकर नौकरियों में क्रिमिनल ईयर का भी फायदा ले रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अपनी शिक्षा भी ले ली है कॉन्वेंट में और तमाम जो ईसाई मिशनरी है, ये विसंगति बहुत दिनों से चल रही है और हमारी सरकार नहीं, हालांकि जी जी शर्मा साहब कह रहे हैं कि अभी पता चला है राजीव जी उनको, अभी एक दो दिन पहले ही कुछ पता चला। हाँ कुछ अभी पता चला है जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में है और उनकी जांच की जा रही है और लंबे समय से चली आ रही है। अब देखिए जांच होगा, हमारी सरकार को आए 4 महीना हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जांच की जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक ठीक, अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव चक्रवर्ती साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, युगल हमारे साथ जुड़े रहे, युगल का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी